हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम हेल्प। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपके BHIC 131 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आपके BHIC 131 में क्या क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे इस बार और किस तरह से आपको उसका आंसर करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। और इस क्वेश्चन आंसर्स जो स्टूडेंट मैं आपको दिखाऊंगी, ये सभी क्वेश्चन आंसर्स हमने आपके इग्नू का जो स्टडी मटेरियल होता है उसमें से आपके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जो हर साल आपसे पूछे जाते हैं वहाँ से हमने लिए हैं। और इसके अलावा इग्नू में क्या पूछा जा सकता है, आपके जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनमें से ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हमने ऐड करा है। आपके रिपीटेड क्वेश्चंस और आपके स्टडी मटेरियल्स में से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पे क्वेश्चन बन सकता है, वो सभी चीज़ें हमने ऐड करके यहाँ पर आपके टोटल 20 क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, जिसमें आपका पूरा एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो जाती है। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि किस तरह से आप जो है आंसर अपना देंगे, तो आपको यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हैं, क्या लिखना है आपको और किस तरह से लिखना है, ये सभी चीज़ें आप प्रिपेयर हो जाएंगी। और स्टूडेंट, आप हमसे जो है इसका सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप व्हाट्सएप पे इसकी सॉफ्ट कॉपी लेंगे, जिसमें आपको फुल एक्सप्लेनेशन दी होगी हर आंसर की और हर क्वेश्चन आपको शो होगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगी जिसमें किस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है और किस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे शो कर। इसके अलावा स्टूडेंट, आप अगर आप इनके चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वो हमारे जो है माई एग्ज़ाम सोल्यूशन करके एक चैनल है, उस पर हमने कुछ चैप्टर्स प्रिपेयर किए हुए हैं स्टूडेंट इग्नू के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए है वो चैप्टर्स, तो ये सब आप जो है प्रिपेयर कर लेते हैं साथ साथ में उनको भी, तो आपका जो है काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन यहाँ हो जाएगी। और जो टॉपिक्स हमने नहीं भी बनाए हैं वो उसको भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, उन टॉपिक्स पे भी हम जो है वीडियोज़ आपके बनाएंगे। इस तरह से आपका जो है PDF दिया जाएगा आपको। BHIC 131 आपका सब्जेक्ट कोड है और भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 CE तक, ये आपका सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संक्षेप में उन दो श्रेणियों पर चर्चा करें जिनमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों को विभाजित किया गया है। तो ऐसी चीज़ें बतानी है जो कि हमारे प्राचीन इतिहास को, प्राचीन भारतीय इतिहास को बताएं। स्टूडेंट, आप यहाँ पे पहले फॉर्मेट देख सकते हैं कितना अच्छा आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है, इसी को आपको यूज़ करते रहना है। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बताइए, तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों को आमतौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, लिखित और अलिखित स्रोत। सबसे पहले आप आंसर क्या लिखने वाले हैं इसको आपको बताना है एक दो लाइन में, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ पे दो श्रेणियाँ होती है भारतीय इतिहास की, और एक लिखित और एक अलिखित। फिर उसको आपको जो लिखित स्रोत है उसको आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर सेकंड पॉइंट में आपका अलिखित स्रोत जो है उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कोई भी आप आंसर देखते हैं सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दे कि आप क्या बताने जा रहे हैं, और उसके बाद आपको जो है कुछ पॉइंट्स बना के उस आंसर को एक्सप्लेन करना है। इस फॉर्मेट को अगर आप यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको उसके मिलते हैं, मतलब आपका जो है आंसर फॉर्मेट देख के ही आपके कितना आप लिख सकते हैं और स्टूडेंट ने क्या आंसर किया है ये एग्ज़ामिनर को पता चल जाता है। तो पूरा रीड करने की भी ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे, आप इंट्रोडक्शन अच्छा दें अपना, पॉइंट्स आप लिखें उसके पूरे और पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अंदर थोड़ा। सेकेंड क्वेश्चन है, वेद क्या है, चार वेदों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, वेद के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। वेद, हमारे चार वेद होते हैं ये सभी को पता है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन पहले दिया हुआ है, फिर चारों वेदों के यहाँ पे जो है पॉइंट्स बनाए हुए हैं, फिर उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, इसी तरह से आप आंसर देंगे। सामवेद, अर्थवेद। क्वेश्चन नंबर 3, एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में पुराणों पर प्रकाश डालिए, पुराणों के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे पुराणों की विशेषता है। आप अगर कुछ भी पॉइंट्स बना सकते हैं अपने आंसर में तो काफ़ी अच्छा आपका रहेगा। पॉइंट्स बनाया गया है, विशेषताएं बतानी है, तो यहाँ पे पॉइंट्स में आपको आंसर दिया हुआ है।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्राचीन भारत में बुद्ध के समय से लेकर गुप्त काल तक के सिक्कों के ऐतिहासिक विकास पर टिप्पणी लिखिए। स्टूडेंट यहाँ पे आपको ज़्यादातर हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछे गए हैं, तो इसमें आप जो है एक तरह से आपको एक पैसेज की तरह पूरा आंसर देना है। पॉइंट्स आप बना सकते हैं, पर आप इसको जो है ज़्यादा पेजों में और ज़्यादा आप जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं अलग अलग पैसेज में, तो और भी आपके लिए यहाँ पे अच्छा रहेगा। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, सारे ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, सारे आपके जो है बुक में से लिए हुए हैं, ये सब आप प्रिपेयर करें। यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको सारे हमारे क्वेश्चंस क्या हमने बनाए हैं और किस तरह से हम आपको आंसर देंगे वो मैंने आपको शो कर दिया है, और आप जो है अब से सॉफ्ट कॉपी लेके इन सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, अपने आंसर आप पढ़ सकते हैं। इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है जैसे कि आपकी इग्नू स्टडी मटेरियल में दी जाती है। तो इसी तरह से स्टूडेंट ये सभी मैंने आपको फॉर्मेट दिखा दिया है, आपको पसंद आया होगा यहाँ तक हमारा वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आप जो है हमें बता सकते हैं अगर आपको परचेस करना है या फिर आपको जो है कुछ भी इसमें आपको लगता है कि आपको कुछ भी पूछना है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, या कोई और आपका सब्जेक्ट है जिस पर आप इंपॉर्टेंस क्वेश्चन चाहते हैं तो वो सब्जेक्ट का नेम आप हमें बता दें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो है उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ला सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।